नमस्कार मित्रों, तो एक बार फिर से मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन पर चले गए हैं। तो इस आंदोलन के चलते हिमाचल प्रदेश में अब बसें नहीं चलेंगी। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं क्या ये पूरी खबर है। तो ड्राइवर यूनियन के साथ विफल रही वार्ता, 30 को काम छोड़ो आंदोलन, नहीं चलेंगी बसें। HRTC ड्राइवर यूनियन की धमकी के बाद निगम प्रबंधन ने यूनियन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन ड्राइवर यूनियन के साथ निगम प्रबंधन की वार्ता विफल हो गई है। ऐसे में ड्राइवर यूनियन अभी भी अपने फैसले पर अडिग है और 30 मई को प्रदेश में काम छोड़ो आंदोलन का फैसला अभी भी बरकरार है। वहीं 30 मई को पूरे प्रदेश में HRTC की बसें नहीं चलेंगी। इसके कारण प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ड्राइवर यूनियन और निगम प्रबंधन के बीच हुई बातचीत के दौरान HRTC के कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग देने पर सहमति तो बनी, लेकिन अन्य भत्तों की अदायगी पर सहमति नहीं बन पाई है। 36 महीनों से HRTC ड्राइवर कंडक्टर को नाइट ओवर टाइम नहीं मिल पाया है। वहीं ड्राइवर यूनियन मांग कर रही थी कि सरकार व निगम प्रबंधन जल्द से जल्द कर्मचारियों को 36 महीने पुराना नाइट ओवर टाइम प्रदान करे, लेकिन बैठक में नाइट ओवर टाइम को देने पर सहमति नहीं बन पाई। निगम प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा कि पैसों की कमी के कारण HRTC अभी कर्मचारियों को 36 महीने पुराना नाइट ओवर टाइम देने में समर्थ नहीं है। वहीं 2006 से लंबित एरियर का भुगतान भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि नाइट टाइम के भुगतान के लिए कमेटी के गठन का प्रस्ताव निगम प्रबंधन के समक्ष रखा था, लेकिन यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रबंधन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अपने फैसले पर अभी भी अड़े हुए हैं। तो यही थी बड़ी विशेष खबर कि निगम प्रबंधन की ड्राइवर यूनियन के साथ वार्ता विफल रही है, जिसके चलते ये कर्मचारी 30 को काम छोड़ो आंदोलन पर चले जाएंगे, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसें नहीं चलेंगी। तो यही थी बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।